हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रामलाल मौर्य। मैं आपको आज परसेंटेज का क्लास 5 पार्ट 1 में कराऊंगा। दोस्तों, ये एक ही तरह का सारा क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन अगर बढ़िया से हल कर जाएंगे और हम हल करा देंगे, तो हमको ये हमारा दावा है कि ऐसा क्वेश्चन अब कैसों पूछेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि ये सारा का सारा आंसर कर लीजिएगा। इसका कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। केवल 15 से 20 सेकंड जाते आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल, पहले ए बी व सी तीनों पहले लिख लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सी को पहले 100 मान लेंगे। इसमें जो लास्ट में रहता है दोस्तों, उसी को हम 100 मान लेंगे। पहले कह रहे हैं कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक। दोस्तों, यहाँ पे हम 100 मान लेंगे सी को। 100 के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 हम इसलिए मानते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर जो हो वो अच्छा जाए, मतलब ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। सी की आय बी की आय से 20% अधिक। तो दोस्तों, 100 से 20 अधिक होगा तो दोस्तों कहाँ पहुँचेगा? 120। और कह रहे हैं दोस्तों कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज करेंगे हम। पहले हम मान लेंगे ए की आय। ए की आय मानेंगे क्या दोस्तों? तो 100 मान लेते हैं। 100 मान लिए। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 125। अब कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की जो आय है दोस्तों, बी का 20% है अधिक। तो 125 का 20% दोस्तों बटा में 100 आ जाएगा। 20 × 100, 5 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। 25 क्या है दोस्तों? अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 25 इसमें जोड़ देंगे बी से। बी में जब 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब लास्ट में क्या कह रहा है दोस्तों कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों, ए है 100 और सी है 150। अंतर कितना आया दोस्तों? 50। किस से जिसके साथ लगा रहा है वो बटा में होता है, तो ए से कह रहा है, तो बटा में ए। ए का मान चुकी दोस्तों 100 है, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना बचा आंसर? 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सी की आय ए से 50% अधिक है। दोस्तों, फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय
ए की आय से 25% अधिक है। दोस्तों जो लास्ट में दिया हुआ है ए की आय से बी की आय 25% अधिक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ए को हम मान लेंगे 100, 100 मान लिए, तो कह रहा है कि ए से बी 25% अधिक है, तो दोस्तों 100 का 25% निकालिएगा तो 25 होगा, अब 25 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ऊपर देखिए दोस्तों, सबसे शुरू में सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, जो सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। हम दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे कि बी का 20% निकालेंगे तो 25 आएगा हमारा, 25 में 25 को क्या करेंगे, 125 में जब ऐड करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। जब 150 आ गया तो पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, 50 अधिक है, किससे, तो ए से, तो इसलिए इसको बटा में रख देंगे और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ये 100 से 100 कैंसिल, 50 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है दोस्तों कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, दोस्तों लास्ट में ही हम मानेंगे बी सी से 20% कम है, पहले तो हम दोस्तों जितना दिया रहेगा सबको लिख लेंगे, पहले ए लिख लेंगे उसके बाद बी लिख देंगे उसके बाद सी। कह रहा है कि बी की आय सी से 20% कम है, तो पहले सी को मान लेंगे हम क्या 100। अब कह रहा है बी की आय 20% कम, तो इसका 20% निकालेंगे दोस्तों तो 20 आएगा, और 20 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 80, 80 आ जाएगा। अब शुरू से पढ़िए, यदि ए बी से 40% अधिक है, जो कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, तो 80 का 40% दोस्तों प्रतिशत हटेगा बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 चौके 32, 32 है तो दोस्तों क्या है अधिक है, इसमें 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, 8 और 3, 11। अब दोस्तों देखिए लास्ट, अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है दोस्तों। अब कह रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, दोस्तों ए ये है और सी का मान कितना है 100 है, तो अनुपात निकालना है, तो ए अनुपात सी, ए का अनुपात कितना है दोस्तों, ए का मान 112 और सी का मान 100। दोस्तों कटा के देखेंगे इसको, 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 8 32 अनुपात, इसको कटाएंगे तो 25 बार में, दोस्तों हमारा ए अनुपात सी बराबर कितना मिल गया, 28:25, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके आप स्वयं क्वेश्चन को अब लगाएं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब थर्ड, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर से इस वीडियो को लगाने का कोशिश करें, क्वेश्चन को सारा पूछ कर करके। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक है और क्यू आर से 10% कम है, तो कह रहा है तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर वाट। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है पहले तो पी क्यू आर, तीन तीन को है हमारा मेंबर, तो इसको लिख लेंगे पी
और ये हो गया आर। दोस्तों कह रहा है कि लास्ट में देखेंगे हम क्यू आर से 10% कम है, क्यू आर से 10% कम है, यानी कि कहीं ना कहीं आर 100 होगा। दोस्तों कह रहा है कि क्यू 10% कम है किससे, तो 100 से। देखिए दोस्तों अब की बार मैं निकाल के बता रहा हूँ, 100 का 10% बटा में परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 बचा, तो 10 100 में से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 90 बच जाएगा। अब कह रहा है कि शुरू में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में, पी क्यू से 30% अधिक है, पी क्यू से यानी कि क्यू का मान कितना है, 90 है, 90 से कितना अधिक है दोस्तों, 30%, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। दोस्तों ये बार बार आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आप दो को जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 दिया 27 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, नहीं अधिक है ना बोल रहा है, पी क्यू से अधिक है तो जीरो में 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 2 11। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमको उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब पूछ रहा है कि तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात सीधे लगा देंगे यहाँ पर, ये अनुपात हो गया, ये हमारा P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो हो जाएगा 117, 90 और 100। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है यक्स वाई से 10% कम है और वाई जेड से 20% अधिक है, तो यक्स अनुपात जेड अनुपात वाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा बदलाव हो गया है, इसमें क्वेश्चन कितने लड़के ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि एक्स वाई जेड दिया होगा अनुपात तो एक्स वाई जेड निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स अनुपात जेड अनुपात वाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हम तीन मेंबर है तो तीन मेंबर लिख लेंगे, ये हो गए एक्स, ये वाई और ये जेड। कह रहा है कि वाई जेड से 20% अधिक है, यानी कि जेड कहीं ना कहीं 100 होगा और y कितना अधिक है, 20%, तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। अब कह रहा है कि x y से 10% कम है, x y से 10% कम है, तो हम क्या करेंगे, 120 का 10% निकालेंगे तो बटा में परसेंटेज हटेगा तो दोस्तों 100 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 12 एकम 12 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि कम है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 12, कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा हमारा 108। जब 108 बच जाएगा तो कह रहे हैं कि तीनों का रेशियो ज्ञात कीजिए, तीनों का रेशियो ज्ञात करना है दोस्तों, बस आसान है, इसको अनुपात कर लीजिए, इसको भी अनुपात कर लीजिए, इसको कटा दीजिए, देखिए कट रहा है किससे, 2 5 10 2 4 8 अनुपात, 2 6 12 अनुपात, ये 50 बार में कैंसिल होगा, ये हमारा 27 बार में, ये 30 बार में और ये 25 बार। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, यही होगा आंसर, 27 अनुपात 30 अनुपात 25। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कोई दो को होगा तीसरा नहीं होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं पांचवा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, यदि जेड की आय वाई की आय से 50% अधिक है
और वाई की आय यक्स की आय से 20% कम है। जेड की आय वाई की आय से 50% अधिक है और वाई की आय यक्स की आय से 20% कम है। तो और कहा जा रहा है एक्स वाई जेड को क्रमशः, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यक्स वाई जेड को क्रमशः, यक्स वाई जेड का देखिए क्वेश्चन दे रहा है। अब हमारा यहीं तक 20% कब है, यहीं तक क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जेड जेड वाई अपॉन यक्स बराबर वाट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो मेंबर देखेंगे हम पहले कितना है, ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वाई की आय यक्स की आय से 20% कम है। वाई की आय यक्स की आय से, कहीं ना कहीं यक्स का आय कितना है दोस्तों, 100 होगा। अब कह रहा है कि वाई की आय यक्स की आय से 20% कम, तो वाई का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 20% निकालेंगे तो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब कह रहा है शुरू में देखिए क्वेश्चन दोस्तों, जेड की आय वाई की आय से 50% अधिक है, तो जेड की आय वाई की आय से 50% अधिक, वाई का मान 80 है, इसका 50% निकालेंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 पचे 40, तो 140 आ गया। 40 को क्या करेंगे, ये क्या है, अधिक है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 40 को 80 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। तो कह रहा है दोस्तों कि जेड वाई अपॉन यक्स का मान ज्ञात करें, बस सिंपल सा है। जेड का मान क्या है दोस्तों, 120, वाई का मान कितना है दोस्तों, 80 अपॉन यक्स का मान कितना है दोस्तों, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 96, ये हमारा आंसर होगा, यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं दोस्तों। कभी भी इस क्वेश्चन को लास्ट से बनाए दोस्तों, लास्ट से बनाइएगा तो बहुत आपका अच्छा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होने का गारंटी रहेगा पूरा, लेकिन आप पहले ही में भटक जाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा आंसर। देखिए इसमें 3 मेंबर हैं, कौन कौन है भाई, क्यू आर और यस। तो पहले क्यू आर और यस को लिख देंगे। कह रहे हैं दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि लास्ट से पढ़ते हैं, आर की आय क्यू की आय से 10% अधिक है। आर की आय, आर कहाँ है दोस्तों, की आय क्यू, आर की आय क्यू की आय से 10% अधिक है, तो यानी कि क्यू कहीं ना कहीं 100 होगा और आर का जो आय आय है वो क्यू से 10% अधिक है, तो 10% अधिक होगा तो दोस्तों कहाँ पहुंचेगा, 110 पे। और कह रहा है शुरू में देखिए, अब यस की आय आर की आय से 20% कम है, इसका 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 × 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 11 × 2 22 हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि कम है तो हम 22 इसमें से माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 8 और 10 में से 2 घटेगा तो 8।
अब कह रहा है कि लास्ट में तो तीनों के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, बस अनुपात लगा देंगे, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये 50 बार में जाएगा और इसको कटाएंगे तो 55 बार में जाएगा और इसको कटाएंगे तो 44 बार में। दोस्तों ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई और भी करिएगा तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट में जाएगा। यहां से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे यदि जी की आयु एच की आयु से 30% कम है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। यदि जी की आयु एच की आयु से 30% कम है और एच की आयु एफ की आयु से 10% कम है तो जी की आयु का वर्ग कितना होगा। दोस्तों वर्ग पूछ रहा है। देखिए तो हम लास्ट से शुरू करेंगे, पहले तो देखेंगे कौन कौन है भाई। तो एफ जी एच तीन है, तो तीन सदस्य को लिख लीजिए, एफ जी और एच, तीनों हो गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में बोल रहा है, लास्ट में देखिए कह रहा है कि यच की आयु यफ की आयु से 10% कम है। यच की आयु यफ की आयु से 10% कम है तो यच कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। यफ की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% कम होगा तो 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जी की आयु एच की आयु से 30% कम है। जी की आयु एच की आयु से 30% कम है तो जी की आयु जो है एच की आयु से, एच की आयु क्या है दोस्तों, 100, 30% कम है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 पे चल जाएगा। आ रहा है समझ में दोस्तों। अब यहीं से क्वेश्चन समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब आगे क्या पूछ रहा है कि तो जी की आयु का वर्ग कितना होगा। दोस्तों जी के आयु 70 है और वर्ग यानी कि स्क्वायर कितना होगा, तो 7 × 7 49 और 2 0 बढ़ जाएगा, यह हमारा आयु का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को लास्ट में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि क्या पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं होता है। इतना तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा तो फिर गलती हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छी तरह पढ़ें। केवल ये आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। दोस्तों हमारा करवाने का मतलब है कि ये ऐसा क्वेश्चन फिर कभी लाइफ में आपका ना फंसे कोई भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अगर यम यन से 60% अधिक कमाता है और यन के से 20% कम कमाता है तो तीनों की कमाई का योग क्या होगा। दोस्तों अब की बार तीनों के कमाई का जो जो कमा रहे हो उनका योग पूछ रहा है। दोस्तों देखिए पहले देखते हैं कौन कौन से मेंबर हैं, यम यन और के। तो पहले ले लेते हैं के यम यन, ये होगा के, ये यम और ये यन। क्वेश्चन लास्ट से ही पढ़ेंगे दोस्तों। यन के से 20% कम कमाता है, यन के से 20% कम कमाता है तो के कहीं ना कहीं 100 कमा रहा होगा, तभी तो यन 20% कम कमा रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 पे आ जाएगा 20% कम होगा तो। अब कह रहे हैं दोस्तों यम यन से, अब शुरू में क्वेश्चन देखिए, अगर यम यन से 60% अधिक हो, यम
एन से 60% अधिक हो। 80 का 60% निकालेंगे, 80 × 60/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 6 = 48। कह रहा है कि अधिक, तो 48 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 8 और 8 = 12। यहाँ पे 48 रख के जोड़ लीजिएगा दोस्तों, बात हो जाएगा। 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, थोड़ा सा बस हल्का सा बस माइंड लगाना है लास्ट में। कह रहा है तीनों का कमाई का योग, बस यहाँ पे जोड़ देना है। योग का अर्थ जोड़ होता है, अंतर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, घटाओ। तो देखिए 100 200 हो गया, देखिए 80 में 20 डालेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 × 8 तो 308, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डी की सैलरी यानी कि दोस्तों उसका जितना भी आय कमा रहा है ना, उसका जितना भी कमाई है रोजाना का, डी की सैलरी ए की सैलरी से 20% कम है और ई की सैलरी सी की सैलरी से 30% कम है, ए और ई का अंतर क्या होगा, ए और ई का अंतर क्या होगा दोस्तों। देखिए पहले तो हम ये मान लेते हैं डी ई और कौन दिया हुआ है दोस्तों, सी, तो पहले मेंबर लिख लेंगे, ये हमारे सी हो गए, ये हमारे डी और ये ई। अब क्वेश्चन लास्ट से पढ़ेंगे, ई की सैलरी सी की सैलरी से 30% कम है, ई की जो सैलरी है सी के सैलरी से 30% कम है, तो यानी ई कहाँ पहुंच गया दोस्तों, 30% कम है तो 70 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ऊपर देखिए शुरू से, डी की सैलरी ई की सैलरी से 20% कम है, डी की ई से 20%। परसेंटेज हटेगा दोस्तों, बटा में 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 × 2 = 14 हो जाएगा दोस्तों। कम है, यहाँ पे कह रहा है कि कम है, तो 14 को क्या करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 और ये बचेगा 5। तो कह रहा है कि ए और ई का अंतर ज्ञात करें, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ए के जगह पे हो जाएगा आपका सी, तो सी और ई का अंतर दोस्तों, सी का मान कितना है 100 और ई का मान कितना है 70, तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा हमारा 100 में से 70 घटेगा तो 30 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, राम की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, राम की आय, राम को मान लेते हैं दोस्तों कि राम की आय मोहन की आय से 10 देखिए दोस्तों, राम की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, किसकी आय अधिक है दोस्तों, तो राम की आय अधिक है, किस से, तो मोहन से 40% अधिक है, तो कहीं ना कहीं मोहन कितना होगा दोस्तों, 100 होगा, तो
तभी तो राम का 40% अधिक हो जाएगा, तो ये पहुंच जाएंगे हमारे 140 पर। अब कह रहा है दोस्तों कि मोहन की आय, सॉरी दोस्तों ये आयु होगा, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों सिंपल सा इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40। किससे कह रहे दोस्तों, तो बोल रहा है राम की आयु कितना प्रतिशत कम है, राम की आयु। यहां पे दोस्तों मोहन हो जाएगा, ये जो राम लिखा हुआ है मोहन की आयु राम की आयु से कितना कम है, तो किससे कम है दोस्तों। क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं, मोहन की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ से लग जाए दोस्तों, तो राम के साथ बोल रहा है, राम से तो 140 इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 4 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 2 दूना 4, ये 2 सत्ते 14, 2 इंटू 100 हो जाएगा 200, 200 अपॉन 7, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 7 दूना 14 6 0 सत्य 56 4 सही 7%। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसमें, अपसेट जैसा हो गया क्वेश्चन। राम की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, राम की जो आय है मोहन की आय से 40% अधिक है। दोस्तों मोहन का आय हम मान लेंगे 100, तो राम कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 40% अधिक होगा, 100 का 40% निकालिएगा तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा दोस्तों, 40 बच जाएगा, तो 40 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 140। कह रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि कितना कम है मोहन जी, तो 40 है कम, किस से तो राम से, बटा में राम हो जाएंगे और गुणे 100, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, 200 बटा में 7, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 28:4/7% आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, यस और यम किसी काम को करते हैं, यदि यस यम से 50% कम काम करता है तो यम यस से कितना प्रतिशत अधिक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बात हो रहा है दोस्तों, पहले यस और यम लिख लेंगे, यस और यम, कह रहा है यदि यस यम से 50% कम काम करता है, मान लीजिए कि यम कहीं ना कहीं 100% काम कर रहा होगा, तभी तो यस क्या कर रहा है कि यम से 50% कम, तो दोस्तों यस कहाँ पहुंच गया दोस्तों, 100 का 50% निकालिएगा तो आपका 50 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो बोल रहा है कि यस यम से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना कम काम करता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 अपॉन किस से, यम से, यम का मान 100 है, परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं दोस्तों 12। कह रहा है कि टी क्यू से कमरे का किराया 60% अधिक भरता है। टी एक हो गया और एक क्यू हो गया। कह रहा है टी क्यू से कमरे का किराया, क्यू कहीं ना कहीं दोस्तों 100 होगा, तभी तो टी से कितना अधिक भर रहा है, टी क्यू से 60% अधिक भर रहा है, तो टी सीधे कहाँ आ जाएगा दोस्तों 160 पे। तो बोल रहा है तो क्यू टी से कितना प्रतिशत कम किराया भरता होगा, आराम से ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 60। किस से दोस्तों लास्ट में देखिए बोल रहा है क्यू टी से, टी कहाँ है दोस्तों 160, अब परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 8 16, 4 2 8 ये कट जाएगा दोस्तों 25, 25 3 75 अपॉन 2, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों 2 3 6, 2 7 14 और 0.5, ये हमारा 37 सही 1/2% या 37.5% आ जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आपको फायदा करेगा एग्जाम में, और हमको ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो दोस्तों बार बार इस वीडियो को देखें, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी लाइफ में नहीं फंसेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, और परसेंटेज का पार्ट 1 में ही क्लास 6 रहेगा, ये हमारा क्लास 5 था दोस्तों। जितना भी टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों मैं सारा का सारा क्वेश्चन करा दूंगा, आपका परसेंटेज में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं फंसेगा दोस्तों। बस जो मेरा पीछे का प्रीवियस वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका जितना भी आपका जो अंदर का झिझक है सब निकल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए।